I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. हमारा आदमी हेलीकॉप्टर में बम लगा रहा है। आपके ऑर्डर के मुताबिक इंजन स्टार्ट होने के ठीक 10 मिनट के बाद बम फट जाएगा। लो भाई विक्रम, ओल्ड एयरपोर्ट में मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की मैं गोली मार दूंगा उसे। रुक जाओ। बाहर जाने की कोशिश मत करना पिताजी। मुझे जाने दे बेटे। अगर मैंने रुका तो तू मुझ पर गोली चलाएगा? नहीं नहीं, तो मुझे गोली नहीं चला सकता क्योंकि तेरी रगों में मेरा खून दौड़ता। वो खून तो बहा दिया आपने और उसकी कीमत भी वसूल कर ली सूद के साथ। हम तो इस औरत के बेटे हैं जिसे जिंदगी भर आपने अपनी पत्नी नहीं माना, जिसके सुहाग का सौदा करने के लिए तुले हुए थे आप। क्या है? चप्पल। कौन सा? कोलंबो। नंबर? 6। 6 नहीं 6। नो 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 कालिए नो। अमित अमित जल्दी जल्दी करो जल्दी। जिंदगी में आखिरी बार फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी यहां चिता जलेगी और तुम्हारे मां बाप के हेलीकॉप्टर में, क्योंकि मैंने उसमें टाइम बम लगा दिया है। अमित अमित, मां मां को बचा। अमित आओ मेरे साथ। बीच में फंस गया। पिताजी,
मेरा हाथ तोड़ गया, अब मैं मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। हा? क्या करें? किशन, माँ की कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तो इधर ठहर, मैं आता हूँ। माँ, 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 तो ठीक है ना माँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? जरूर वो हेलीकॉप्टर से, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में तो जगी ने टाइम बम रखा है। क्या? हाँ माँ। टाइम बम? हाँ। बेटी, किसी भी तरह अपने पिताजी को बचा लो। लेकिन माँ तुम? मेरी फिक्र मत करो, किसी भी कीमत पर मेरे सुहाग को बचा लो बेटे। चल किशन, चल। हाथ मत छोड़ना, हम लोग बहुत ऊंचाई पे हैं।
टाइम बम है, इसे नीचे उतारिए। पिताजी के बच्चे, तूने अपने बाप को इतना बेवकूफ समझ रखा है तो वो तेरी बातों में आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, इसमें टाइम बम है। धीरे धीरे आंखें खोल दो। That's right. माँ, माँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, माँ मैं देख सकता हूँ। अरे वो कौन है जिसने मुझे आंखें दी? वो जिंदा है? वो जिंदा है? हाँ किशन, अगर वो जिंदा है तो किस तरह उसने मुझे आंखें दी, किस तरह? डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर किसी को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो अपनी आंखें दूसरे को दे सकता है। अमित, मुझे उससे मिला ताकि मैं उस मेहरबान का शुक्रिया तो अदा कर सकूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप, वो तो कर्ज था मुझ पर। तुम्हारी आंखें मैंने छीनी थी ना, उन्हें लौटाकर मैंने कर्ज तो अदा किया। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.